जैसा कि हम जानते हैं, कृषि दुनिया का सबसे पुराना उद्योग है। मनुष्य हमारे लिखने से पहले ही खेतों की जुताई और बीज बो रहे थे। खेती से पहले हम खानाबदोश थे और हम भोजन, पानी व आश्रय की तलाश में विशाल क्षेत्रों में घूम रहे थे। खेती ने समुदायों को एक ही स्थान पर स्थापित किया। लगभग 10,000 साल पहले, जब शिकारी संग्रहकर्ताओं ने पौधों और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, तो कृषि का उदय हुआ। इसके बाद लोगों ने सुअर का पीछा करने या जंगली पेड़ों से फल लेने के बजाय अधिक फल और अनाज की खेती के लिए मिट्टी की जुताई, अनाज लगाने और पौधों को पानी देने के लिए समय देना शुरू कर दिया। हर तरह की कृषि पद्धतियों के लिए जुताई सबसे अहम है। जुताई मतलब मिट्टी का मंथन करना और सभी प्रकार के वातावरण में मिट्टी को पौधों की खेती के लिए सक्षम बनाना। हल कृषि यंत्रों में सबसे बुनियादी और सबसे शानदार यंत्र हैं। स्वयं मानवता के साथ उलझे इस हल का इतिहास आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक है। जुताई से पहले शुरुआती किसान बीज बोने के लिए तथा मिट्टी की सतह पर खांचे बनाने के लिए शाखाओं या डंडों का उपयोग करते थे। अधिक कुशल बनने के लिए मनुष्य ने अंततः हाथ से पकड़े जाने वाले कुदाल का आविष्कार किया। लगभग 4,000 साल पहले प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा इनका उपयोग किए जाने के प्रमाण हैं। आखिरकार पीढ़ियों के बाद मनुष्य ने जंगली जानवरों को भी पालतू बना लिया और इस तरह जानवरों द्वारा खींचे गए हल का जन्म हुआ, ताकि ऊंट, बैल या हाथी भी मुश्किल काम कर सकें। जुताई फसलों को बोने या बोने के लिए मिट्टी तैयार करने में मदद करती है। उपजाऊ क्षेत्रों में स्वस्थ फसलें उगाने के लिए मिट्टी का मंथन बहुत जरूरी होता है, ताकि पोषक तत्व सतह पर आ सकें। हल भी ठीक वैसा ही करते हैं। यह प्रक्रिया मिट्टी को हवा देती है, जिससे यह अधिक नमी धारण करने में सक्षम हो जाती है। लाठी और बैलों के शुरुआती दिनों के बाद से जुताई एक लंबा सफर तय कर चुकी है। अब हमारे पास मिट्टी को मथने के लिए महंगी मशीनें हैं, जो आदिम किसानों ने कभी संभव नहीं सोचा था। प्रारंभिक हल साधारण खरोंच हल से विकसित हुआ है। यह उपकरण अभी भी दुनिया के कुछ हिस्सों में उपयोग किया जाता है। इसका फ्रेम लकड़ी से बना होता है, जिसमें बीज बोने के लिए एक रास्ता बनाया जाता है। इसके बाद टर्न प्लाव आए, जो कम उपजाऊ मिट्टी का मंथन करके पोषक तत्वों को शीर्ष पर लाने में कामगार साबित हुए। इसके बाद भारी लोहे के मोल्ड बोर्ड हल आए। इन अधिक भारी उपकरणों में एक पहिया भी शामिल किया गया, जिसकी वजह से एक खेत की जुताई में कम समय लगने लगा। इसके बाद औद्योगिक क्रांति के साथ भाप की शक्ति आई, जिसके बाद घोड़ों या गायों के बजाय मशीनों द्वारा हल को खींचा जाने लगा। इस रोमांचक समय के दौरान कार्यों को पहले से अकल्पनीय पैमाने पर किया जाने लगा। जिन्होंने खेतों को अविश्वसनीय रूप से उच्च मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम बना दिया। इसके बाद 1837 में पहला स्टील हल बनाया गया। यह हल लोहे के हल से भी अधिक मजबूत था, जिनका आज भी भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इनका रखरखाव बाकी हल की तुलना में कम होता है, तथा इनको खींचने के लिए बाकी के मुकाबले कम शक्ति की जरूरत होती है। भले ही मशीनी युग के आने से खेती का काम जल्दी होने लग गया, लेकिन एक कटु सत्य यह भी है कि इन मशीनों ने हमारे परंपरागत यंत्रों की जगह ले ली। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।